गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। पाठ 11 बल, कार्य और ऊर्जा, हम इसके प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। हमने इसमें क, ख और ग ये तीनों कर चुके हैं। आज हम करेंगे घ पोर्शन। इसमें पहला प्रश्न है, बल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, लिखिए। बच्चों, प्रश्न नंबर एक के उत्तर में हम लिखेंगे, गति उत्पन्न करने में सहायक खींच या धकेल को हम बल कहते हैं। अब बल के प्रकार लिखेंगे हम, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, प्रतिस्थ बल, पेशीय बल, यांत्रिक बल, चुंबकीय बल, विद्युत बल, ये सब बल के प्रकार हैं। प्रश्न नंबर दो है, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं, इसके उपयोग लिखिए। आपका उत्तर होगा, यहाँ देख के लिखिएगा, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को एक निश्चित बल द्वारा अपने केंद्र की ओर खींचती है। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे, फलों का जमीन पर गिरना, गेंद को उछालने पर उसका पृथ्वी पर गिरना आदि उदाहरण है। अब प्रश्न नंबर तीन देखते हैं, घर्षण बल से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर इस तरह से लिखें, घर्षण बल वह बल है जो दो वस्तुओं की पारस्परिक गति का विरोध करता है। ठीक है, अब उदाहरण में लिखेंगे, फर्श पर लुढ़कते हुए गेंद कुछ दूरी तक जाकर स्वयं रुक जाती है। यह आपका प्रश्न नंबर तीन का उत्तर है। प्रश्न चार है आपका, कार्य किसे कहते हैं, कार्य की मात्रा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। प्रश्न नंबर चार, इसका उत्तर लिखेंगे, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। जैसे कुर्सी को उठाकर ले जाना, इसमें कार्य हो रहा है। दूसरा उदाहरण, पत्थर उठाना, इसमें भी कार्य हो रहा है। इस प्रश्न का दूसरा भाग है, कार्य की मात्रा किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो आप इसमें लिखेंगे, कार्य की मात्रा ज्ञात करने के लिए बल को वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को गुणा करते हैं। इसको आप दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, कार्य इज इक्वल्स टू बल गुणा किया दूरी से। ठीक है, ये आपके प्रश्न नंबर चार का उत्तर है। अब देखते हैं प्रश्न पांच, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा के विभिन्न स्रोत बताइए। प्रश्न नंबर पांच का उत्तर यहां से लिखिए, किसी कार्य को करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, इस शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित हैं, किन किन चीजों से हमें ऊर्जा मिलती है वो यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि सूर्य, कोयला, विद्युत, पेट्रोल, डीजल, बायोगैस, वायु, जल, भोजन। बच्चों, प्रश्न पांच के साथ ही आपका चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। आप बल, कार्य और ऊर्जा, इसमें जितने भी मैंने अभी और पिछले एपिसोड में जितने भी क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं, उसको अपनी कॉपी में डेट डाल के कर लें। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।